Anam gibisin sen de. Yeter! 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 Anne! Hello friends, welcome back to my channel. So friends, यमन सीजन 4 की नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, गुलपरी सेवाश से शादी करने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन इस बात को लेकर आमिर भी गुलपरी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। सेवाश खुद भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि फ्रेंड्स सेवाश भी गुलपरी की खुशी चाहता है और वो ये अच्छे से जानता है कि गुलपरी आमिर के साथ बहुत ही खुश रहेगी। तो फ्रेंड्स, गुलपरी के सेवाश के साथ शादी के फैसले को लेकर आमिर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और वह गुलपरी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर जब गुलपरी सेवाश से मिलती है तो सेवाश भी गुलपरी से इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है और वह कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, नारीन ड्राइव करते हुए केमाल से बात कर रही होती है। केमाल नारीन से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये सुनकर फ्रेंड्स नारीन कुछ शर्मा सी जाती है। बट फ्रेंड्स, मीन टाइम नारीन का एक्सीडेंट हो जाता है और फ़ोन बंद हो जाता है। इधर केमाल भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगा कि नारीन के साथ क्या हुआ। होपफुली फ्रेंड्स कि नारीन को कुछ भी नहीं होगा। इधर फ्रेंड्स मिस बिहान गुलपरी पर चिल्ला रही होती हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो। ये सुनकर फ्रेंड्स गुलपरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्स्ट टाइम अपनी आंटी से चिल्ला कर बात करती है और कहती है कि बस अब बहुत हुआ। गुलपरी को इस तरह चिल्लाते देखकर मिस बिहान भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। आफ्टर डैट फ्रेंड्स, मिस बिहान सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं और इसी वक्त मिसेज जावेदान भी ऊपर होती हैं। इधर फ्रेंड्स सेवाश मिस बिहान को इस तरह से नीचे गिरता देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या मिस बिहान को मिसेज जावेदान ने पुश किया होगा या फिर ये सब मिस बिहान की अपनी चाल होगी और उन्होंने खुद को सीढ़ियों से नीचे गिराया होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।